हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 8th of July और आज हम जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए समसामयिक घटनाएं क्या हैं और उसमें किस तरीके की चीज़ों का बदलाव हुआ, कौन सा नया कार्यक्रम आ रहा है, साथ ही साथ प्रदेश की जनता के लिए क्या खुशखबरियां हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि क्या है क्वेश्चंस, किस तरीके के होंगे उसके आंसर। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही नियमित रूप से नए नए वीडियोस मिलते रहें। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है आपका, वेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किस जिले में टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया गया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म सर्किट मैप वॉज रिलीज बाई द चीफ मिनिस्टर अंडर द वेट मुलाकात प्रोग्राम। ऑप्शन है कोरिया, जसपुर, रायपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो समझना है आपको, देखिए वेट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अभी अभियान पे हैं, भेंट मुलाकात अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा और जगह जगह जाकर के वहां पर अलग अलग चीजें की जा रही हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। नए नए स्टेडियम्स, नए नए सुविधाओं का लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे टूरिज्म सर्किट मैप की अगर हम बात करें तो टूरिज्म सर्किट मैप में क्या दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी उस जगह के पर्यटन स्थल हैं या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही साथ इस टूरिज्म मैप में सड़कों का कनेक्शन अगर हम बात करें तो रोड नेटवर्क्स भी दिया गया है कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं उस जगह पर। तो ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम द्वारा हाल ही में गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, जीपीएम जिले में यहाँ पे टूरिस्ट मैप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, टूरिस्ट मैप को लॉन्च किया गया है, टूरिस्ट मैप दिया गया है जिसके तहत आप यहां के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल या फिर धरोहर है, अगर कोई स्मारक है तो आप यहां पर इजिली जा सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा ध्यान से, प्रदेश के गौठान निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु किस नाम का ब्रांड बनाया गया है। यहाँ पे विक्रय हेतु किस नाम का ब्रांड बनाया गया है। विच नेम ब्रांड हैज बीन मेड फॉर द सेल ऑफ गौठान मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। राज्य के किस गौठान के उत्पाद के लिए यहाँ पर एक ब्रांड बनाया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर गौठान के उत्पाद को बेचने के लिए एक ब्रांड बनाया गया है जिसका नाम है अर्थ। ध्यान देंगे ये किस तरीके से लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अर्थ, कैपिटल आर स्मॉल टी एच, इस तरीके से इसका लोगो बनाया गया है और ये गौठान के निर्मित उत्पाद को सेल करने के लिए विक्रय हेतु बनाया गया है। कि याद रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस संस्थान में देश का पहला AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आइडिया लैब बनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे, AICTE का हेडक्वार्टर जो है ये है आपका दिल्ली में और इसका मेन काम क्या है कि जितनी भी तकनीकी शिक्षाएं दी जाती हैं भारत में उसकी मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग इसका काम है। क्लियर रहेगा, तो ध्यान देंगे यहां पर देश के 49 इंस्टीट्यूट्स का चयन किया गया था और इस 49 में से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में SIPMTC शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस के लिए रायपुर को चुना गया है। तो ये है आपका शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कॉलेज रायपुर का, जिसे AICTE के द्वारा आइडिया लैब के रूप में छत्तीसगढ़ में चुना गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़े, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है, किसानों से
किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में रखा गया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 22-23 का, तो आपको डेटा 21-22 का भी याद होना चाहिए। 21-22 में लक्ष्य रखा गया था, 105 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था, और हमने अचीव कितना किया, तो हमने अचीव किया 98.97 लाख मीट्रिक टन, ये हमने अचीव किया था इस वर्ष का 2022-23 के खरीफ विपणन वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 110 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो आप याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है यहां पर राष्ट्रीय रैंकिंग, राज्य की रैंकिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन में क्या है, तो ध्यान देंगे यहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ध्यान देंगे यहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राज्य की रैंकिंग पूछी गई है। तो ध्यान से समझेंगे यहां पर, ये जो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है ये दिल्ली में अभी लाया गया था, दिल्ली में यहां पे इसकी रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उड़ीसा जो है नंबर वन पे है। ध्यान देंगे उड़ीसा नंबर वन पर है। अगर हम 20 बड़े राज्यों की बात करें, 20 राज्यों की अगर हम बात करें, बड़े राज्यों के बारे में बात करें, तो उड़ीसा नंबर वन पर है, उड़ीसा की रैंकिंग फर्स्ट है, और उसके बाद पंजाब के बाद फिर आपका आ जाता है हरियाणा के बाद है फिर आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ के बाद आता है गोवा। तो आप ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा तो नंबर वन रैंकिंग पर है, और वन की अगर हम बात करें इंडेक्स वन में से इसको जो रैंकिंग मिली है वो 0.891 के लिए मिली है, आउट ऑफ वन इसकी जो रैंकिंग मिली है ये मिली है 0.891 की इंडेक्स दी गई है। नेक्स्ट आता है 20 बड़े राज्यों में पंजाब की स्थिति 17, हिमाचल 18, ठीक है, 19वें नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़, सॉरी 16वें नंबर पे पंजाब, 17वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है आपका 18वें नंबर पे, छत्तीसगढ़ 19वें नंबर पे, और गोवा है आपका 20वें नंबर पे। सेम अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, और आप अगर द्वीपीय राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें त्रिपुरा का परफॉर्मेंस बेहतर है, त्रिपुरा को रैंकिंग वन मिली है, त्रिपुरा की रैंकिंग फर्स्ट मिली है, याद रखेंगे। तो यहां पे छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है यह है आपकी 19वीं रैंकिंग है छत्तीसगढ़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षा संगम पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया, परीक्षा संगम अगर हम बात करें तो परीक्षा संगम एक्चुअली है क्या, तो जिस तरीके से आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे संगम, तो संगम में तीन टाइप की चीजें यहाँ पे लाई गई हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, और गंगा माना गया है स्कूल को, यमुना माना गया है क्षेत्रीय केंद्र को, और सरस्वती माना गया है प्रधान कार्यालय, ठीक है, कार्यालय। ये जो है आप यहां पर देखेंगे कि संगम पोर्टल एक्चुअली है क्या, तो संगम में तीन यहां पे डिवीजन दिए गए हैं, भाग बनाए गए हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर स्टूडेंट्स अपना मार्क्स देख सकते हैं, मंथली असेसमेंट देख सकते हैं कि उनको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। इसके लिए यहां पे परीक्षा संगम के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे यहां पे CBSE ने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसको वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाने की बात कही गई है विद्यार्थियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस स्थान पर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन किया जाना है, ध्यान देंगे यहां पे इंटरनेशनली आपसे पूछा गया है, राज्य में पूछा गया, यानी छत्तीसगढ़ के कंसर्न से। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ये जो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज है ये आपको 20 से 25 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 25 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये आपका होगा बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में। कहां पे?
बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर, याद रखेंगे बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्किल डेवलपमेंट सेंटर राज्य के किस जिले में खोला जाएगा या प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्तावित है पूछा है। अब यहां पे बात आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि यह है कहां, तो ध्यान रखेंगे ये अमरकंटक में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और हाल ही में राज्य सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक एमओयू यहां पे हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत गुरेला पेंड्रा मारवाही इस क्षेत्र के लालपुर गांव में यह सेंटर बनाया जाएगा, लालपुर गांव में यह सेंटर बनाया जाएगा, यह केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा एमओयू हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें लालपुर गांव में यहां आपका पेंड्रा गोरेला मारवाही जिले के लालपुर गांव में यह प्रस्तावित है, यहीं पे यह सेंटर खोला जाएगा, क्लियर रहेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे लिए आ जाता है कि ये जो टर्म जूनोसिस है कि एक्चुअली है क्या, तो ध्यान देंगे कशेरुकी जानवरों, याद रखिएगा यहां पे कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और मनुष्यों से जानवरों में फैलता है और मनुष्यों से जानवरों में फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। यह बीमारी है कशेरुकी, जानवरों से मनुष्यों में आती है और मनुष्यों से फिर यहां पर जानवरों में जाती है, यानी वाइस वर्सा इसका प्रोसेस है। तो जूनोसिस जो है एक तरीके का डिजीज है और हाल ही में अभी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो लोगों को जागरूक करना कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है, इस बीमारी से जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, यह इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया, अभी हाल ही में राज्य में हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन किया गया था और इसमें शहर की अगर हम बात करें तो नाम चुनने की बात करें तो टोटल 32 डॉक्टरों को यहां पर यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया, जिन्होंने पेंडेमिक के समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, याद रखिएगा यह चीज। अब ये किसके द्वारा हुआ, तो ये आयोजन हुआ था रायपुर में और शहर के करीब 32 डॉक्टरों को, जिन्होंने अभी कोविड के समय में या पोस्ट कोविड में कोविड के बाद अपनी सराहनीय योगदान दिया है, और ये जो आपका हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन हुआ ये दैनिक भास्कर के समूह के द्वारा किया गया था, याद रहेगा। तो यहां होगा करेक्ट ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहां पर, इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट वुमेन्स अंडर 19 में राज्य के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। देखिए अब जैसे ही वुमेन्स अंडर की बात आती है तो आपको यहां पे मेन्स अंडर 19 याद रखना होगा, जिसमें मयंक यादव का सिलेक्शन क्यों हुआ है, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है इनका सिलेक्शन, और वही विमेंस अंडर 19 के लिए ऐश्वर्या सिंह का, विमेंस अंडर 19 के लिए ऐश्वर्या सिंह का सिलेक्शन किया गया है और इनका सिलेक्शन जो हुआ है ये हुआ है आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में, तो याद रहेगा ये चीजें, आप ध्यान से इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, मयंक यादव और वुमेन्स अंडर 19 और मेंस अंडर 19 में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण की घोषणा किसके द्वारा किया गया, ठीक है, किसके द्वारा की गई
टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें तो ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन का सेवा है। इसके एकीकरण यूनिफिकेशन का घोषणा किसके द्वारा किया गया है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे यहां पर ये जो ई संजीवनी है, ई संजीवनी का मुख्य पर्पस अगर हम बात करें, एकीकरण का मुख्य पर्पस क्या है कि जितने भी आयुष्मान भारत में रजिस्टर करने के लिए लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए यानी सुविधा देने के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को एकीकरण किया गया है आयुष्मान भारत के साथ। ठीक है, आयुष्मान भारत में पंजीकरण हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है, ये अपनाया गया है। क्लियर रहेगा। और इसके एकीकरण का घोषणा किसने किया है तो किया है यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी ने। करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस संस्था के द्वारा माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब जैसे ही बात आती है माई पैड माई राइट कार्यक्रम का तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका इसकी शुरुआत लेह में की गई है। याद रखेंगे लेह में की गई है। साथ ही साथ यहां पर नैब फाउंडेशन के द्वारा हुआ है। नैब फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, नाबार्ड के नैब फाउंडेशन के द्वारा किया गया है लेह में। जिसके तहत अगर हम बात करें तो एक लाख रुपए की मशीनरी के साथ साथ यहां पर आवश्यक सामग्रियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। क्लियर रहेगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड के द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ 9 जुलाई को कौन सी वर्षगांठ मनाएगा। तो याद रखेंगे यहां पे अफ्रीकन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी एसोसिएशन की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। लेकिन नामकरण जो है अफ्रीकी देशों का एक संघ होगा इस बात का विवरण हमें 1963 से मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियल नेम के बारे में बात करें तो नेम डिक्लेरेशन 2002 में किया गया। अब बात आती है कि कितने देश हैं इसके मेंबर, तो इसके मेंबर हैं 55 कंट्रीज इसके जो है 55 हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर जो है इसका अदीस में इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री है, इथियोपिया के अदीस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखेंगे अभी 2002 से लेकर के 9 जुलाई को अगर हम बात करें तो स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अभी 2022 चल रहा है तो कौन सा वर्षगांठ होगा तो 20वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी अफ्रीकी संघ के द्वारा। आगे बढ़िए, देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। अब दिल्ली से जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी आपको यहां पर याद रखना होगा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पर 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का यहाँ पे चैंपियनशिप होना है और चैंपियनशिप के लिए मशाल रिले का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा किया गया है दिल्ली से। मोदी जी के द्वारा दिल्ली से ही शुभारंभ किया गया है। उसके बाद राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडरों का यहां पर प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण हेतु भी यहां दिल्ली में ही शुरुआत की गई है। कमांडरों की बैच को यहां पर इन्होंने सम्मानित किया है। उसके बाद दिल्ली में अगर हम बात करें तो यहां पर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो इन्होंने विधायकों के पेंशन के साथ साथ यहां अलग अलग भत्तों में 66% से ज्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की है। 66% से ज्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार की बात आती है तो यहां पे आपको दिल्ली के एलजी का नाम कौन याद रखेगा, तो दिल्ली का जो नया एलजी बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना।
विनय कुमार सक्सेना जी को अभी दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर लाया गया है। ये था आज का 15 क्वेश्चन का आपका एपिसोड, आपका ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। अब हम आपसे पूछने वाले हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन है जी ट्वेंटी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई, G20 में शामिल जितने भी देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट डे की अगर हम बात करें, यानी कि कल वाले सेशन की अगर हम बात करें, जो कि 7 जुलाई का सेशन था, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोधन न्याय योजना के तहत कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 3089। क्लियर रहेगा। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।